असलम एंड वेलकम टू माई YouTube चैनल कैसे हैं आप सब लोग आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बन कबाब की और वो भी स्ट्रीट स्टाइल में तो बहुत आम है और हर शख्स इसको घर में बना लेता है लेकिन हर शख्स की अपनी स्पेशलिटी होती है तो मैं कैसे बनाती हूँ आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कबाब है वो लिए हैं तीन कबाब लिए हैं क्योंकि मैं तीन जो है वो उसके बर्गर बना रही हूँ तो मैंने तीन कबाब फ्राई किए हैं खीरा लिया है थोड़े से प्याज लिए हैं और टमाटर लिए हैं और उनको मैंने काट लिया है यहाँ पे मैंने जो है चिली गार्लिक सॉस ली है तकरीबन तीन से चार टेबल स्पून और सिंपल कैचअप ली है वो भी इसी तरह तकरीबन तीन से चार टेबल स्पून और मायोनीस ली है वो भी तीन से चार टेबल स्पून यानी खाने वाले चम्मच तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो मैं अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी तो ये एक हमारी सॉस बन जाएगी और हमें अलग से केचप या मायमीज़ नहीं लगानी पड़ेगी और ये मिक्स भी अच्छी हो जाएगी तो इसलिए मैंने इसको इस तरह तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया और यहाँ पे मैंने रायता बना लिया ये जिसे आप दही की चटनी कहते हैं इसमें धनिया पुदीना और नमक डाल के साथ उसको पीस लिया पुदीने और धनिए को और दही को के अंदर फेंट के उसको मिक्स कर दिया है यहाँ पे मैंने अपने बर्गर लिए हैं और तवे पे हल्का सा ऑयल लगा के इसको मैंने जो है वो गरम कर लिया है और गरम करते हुए हल्का हल्का सा मैं इसको आ, इसके साथ स्पून के साथ प्रेस कर लूँगी ताकि वो थोड़े से इजी हो जाते हैं उसको हैंडल करना और काटना और खाना थोड़ा आसान हो जाता है थोड़ा सा जब हम इसको प्रेस कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने अपने तीनों कबाबों को तवे के ऊपर गरम कर लिया है यहाँ पे मैंने तीन कबाब के तीन बन जो मैं बना रही हूँ बर्गर जो बना रही हूँ उसके लिए मैंने दो अंडे लिए हैं आप चाहें तो तीन ले लें यहाँ पे मैंने एक चौथाई चम्मच अंडों के अंदर जो है वो मिर्च डाली है वन चौथाई ए वन फोर्थ ही एक चौथाई ही मैंने नमक डाला है और ये चाट मसाला है वो भी इतना है तीनों चीज़ें बराबर की क्वान्टिटी हैं और दो अंडों के अंदर मैंने इनको डाल के अच्छे से फेंक लिया है और अब इस पर मैंने उसी तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है और इन अंडों को मैंने फ्राई कर लिया है और फ्राई करने के साथ ही इसको मैं तीन हिस्सों में काट लूँगी क्योंकि मैं तीन बर्गर बना रही हूँ जो जो तीनों बर्गर के लिए मैंने केचप और मायानीज़ की सॉस बनाई थी अब मैं उसको यहाँ पे स्प्रेड कर रही हूँ और इसको अच्छे से आपने स्प्रेड कर लेना है और उसके बाद जो कबाब हमने फ्राई करके रखे थे तो उसको हमने कांटे से या हाथ से जैसे आपको इजी हो उसके ऊपर हमने स्प्रेड कर लेना है तो यहाँ पे मैंने अपने कबाब को बर्गर के ऊपर अच्छे से लगा लिया है और खीरा टमाटर और प्याज भी उसके ऊपर फैला दिया है लगा दिया है तो उसके बाद ये चाट मसाला है मैं इसको चाट मसाले को थोड़ा सा इसके ऊपर जो बर्गर्स के ऊपर स्प्रिंकल करूँगी तो यहाँ पे मैंने तीनों बर्गर के ऊपर चाट मसाला थोड़ा सा छिड़का दिया है और उसके बाद उसके ऊपर मैंने जो अंडा फ्राई किया था वो लगा दिया है इन तीनों बर्गर के ऊपर और जो उसके ऊपर का बर्गर के ऊपर का जो हिस्सा है उसके ऊपर जो दही की चटनी बनाई थी मैं वो लगा रही हूँ तो वो उसको भी हम अच्छे से लगा लेंगे सॉसेस की और केचप की और वेजिटेबल्स की जो क्वांटिटी है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हैं तो इस तरह ये मैंने इसके ऊपर लगा लिया है और हमारा जो बन कबाब है वो रेडी है और उसको मैंने काट गरम करके काट के प्लेटर में लगा दिया था तो बहुत टेस्टी है बहुत मज़े का है और आई एम श्योर कि आप इसको रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप इन्जॉय करेंगे और अगर आपको अच्छी लगती है ये रेसिपी तो उसको लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग